नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, यह टाटा की डायको 2.2 है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके चारों ब्रेक शू को कैसे बदला जाता है दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल आशीष मौर गुड्डू पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं ब्रेक शू कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले इसके आगे के व्हील को खोलते हैं। व्हील को ऐसे खोल देंगे। दोस्तों, मैंने इसके ब्रेक शू चेंज का वीडियो दो पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में आगे के ब्रेक पैड और पार्ट टू में पीछे के ब्रेक शू चेंज करने का वीडियो बनाया है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट टू का लिंक दे दिया है, आप उसे ज़रूर वॉच करें। और यहाँ पर इसका डिस्पैड लगा हुआ है। इसके डिस्पैड को निकालने के लिए इस कैलिपर के बोल्ट को 12 नंबर टूल से खोलेंगे। और ऐसे कैलिपर असेंबली को बाहर निकाल देंगे। और ब्रेक पैड को भी यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। इसमें ब्रेक के लिए ऐसा डिस्क पैड लगा होता है। दोस्तों, अब बाएं साइड के व्हील को खोलते हैं। यहाँ ऐसे व्हील को निकाल देते हैं। यहाँ दोस्तों, इस साइड का जो डिस्क पैड है वह घिस कर बाहर निकल गया है और पूरा ब्रेक ऑयल भी गिर गया है। ये डिस्क पैड यहाँ से बाहर निकला है जो कि कस्टमर अपने साथ ले आए हैं। तो यहाँ कैलिपर पिन के बोल्ट को 12 नंबर टूल से खोल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस कैलिपर असेंबली का जो पिस्टन है वह दोनों बाहर निकल गए हैं। इस पिस्टन के बाहर निकल जाने से ब्रेक आयल गिर गया और यह दूसरा वाला डिस्क पैड है। ये सब डिस्क पैड नए लगेंगे। इसके डिस्क ब्रेक रोटर को चेक कर लेते हैं। इसका डिस्क रोटर घिस गया है। यह रोटर घिस कर पतला हो गया है। इधर दाहिने साइड के भी रोटर को चेक कर लेते हैं। इधर भी डिस्क रोटर घिस कर पतला हो गया है। इसे जब हम टर्न करवाएंगे तो ये बहुत ही पतला हो जाएगा, इसलिए दोनों रोटर को चेंज करेंगे। अब रोटर को निकालने के लिए यहाँ से इस हब को बाहर निकालना होगा और इस कैलिपर फ्रेम को भी खोलना होगा। तो यहाँ इस कैलिपर फ्रेम को 18 नंबर टूल से खोल देंगे ऐसे। इसके हब को निकालने के लिए इस चकनट में लगे एलेंकी बोल्ट को लूज करना होता है। और ऐसे चकनट खुल जाएगा। अब इस हब को ऐसे बाहर निकाल देंगे। यह बाहर की छोटी बेयरिंग है और इसमें एक सॉकेट लगा होता है, इसे भी बाहर निकाल देंगे। पीछे के बेयरिंग को निकालने के लिए इस आयल सील को निकाल देंगे। ये अंदर वाली बड़ी बेयरिंग है। दोनों तरफ के बेयरिंग को अच्छे से धुलाई करेंगे। अब इसके डिस्क ब्रेक रोटर को खोलेंगे। यहाँ पर 16 नंबर सॉकेट से इसके बोल्ट को खोल देंगे ऐसे।
और इस तरह से ड्रम के हब को निकाल देंगे। अब यहाँ इसके स्टड को निकाल देंगे। ऐसे स्टड निकल जाएगा। दोस्तों यह अगला डिस्पैड है और यह पिछला ब्रेक शू है। ये सब टीवीएस गर्लिंग के ब्रेक शू है जो कंपनी से लग कर आते हैं। दोस्तों मैं इसके चारों ब्रेक शू को मंगा लिया हूँ। दोस्तों मैंने चारों ब्रेक शू चेंज करने का वीडियो दो पार्ट में बनाया है, तो मैं आपको पार्ट टू में पिछले ब्रेक शू चेंज का वीडियो दिखाऊंगा, आप उसे ज़रूर वॉच करें। और यह अगला डिस्क ब्रेक रोटर है। अब इस डिस्क रोटर को फिट कर लेते हैं। इस स्टड को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। स्टड में ये जो घाट कटा हुआ है वह इस तरफ रहेगा, इसे ऐसे बैठा देंगे और इस हब को ऐसे लगाएंगे। और इसके सभी नट को अच्छे से टाइट कर देंगे। इसके सभी नट अच्छे से टाइट हो गए हैं, अब इसे लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बाएं तरफ का रोटर बहुत ज़्यादा घिस गया है। इसके घिसने का कारण यह है कि ये जो डिस्क पैड है उसका लेदर घिस जाने से लोहा आ गया और ब्रेक दबाने से डिस्क रोटर को बहुत ज़्यादा घिस कर काट दिया है। यहाँ पर दोनों हब कंप्लीट हो गए हैं, इसे लगाएंगे। बेयरिंग में ग्रीस को अच्छे से लगाने के बाद इसे हब में ऐसे लगाएंगे। और नए ऑयल सील को लगा देंगे। हब में ऑयल सील को ऐसे लगा देंगे। यहाँ हब को ऐसे लगा लेते हैं और इस साकेट को अंदर डालेंगे। और इसमें जो पतले पतले सीम निकले हैं उसे लगाएंगे। उसके बाद छोटी बैरिंग लगेगा। उसके बाद इस प्लेन वाशर को लगाएंगे और फिर इस चकनट को लगाएंगे। चकनट को अच्छे से टाइट कर देंगे। चकनट टाइट हो जाने के बाद इस एलेंकी बोल्ट को भी अच्छे से टाइट कर देंगे। अब इस कैप को लगा देंगे। इसे भी टाइट कर देंगे। इस कैलिपर ब्रैकेट को लगा लेते हैं। अब डिस्क पैड को लगाएंगे, तो यहाँ पहले कैलिपर असेंबली को ऐसे लगाएंगे।
और इस एयर स्क्रू को लूज कर देंगे। तो मैं यहाँ अपने तरीके से इस टूल्स की मदद से कैलिपर असेंबली के पिस्टन को अंदर कर लेता हूँ। इसके 8 नंबर के एयर स्क्रू को खोल देंगे ताकि जब पिस्टन अंदर जाए तब ब्रेक आयल बाहर निकल जाए ऐसे। इसी तरह से दूसरे पिस्टन को भी अंदर कर लेते हैं ऐसे। दोस्तों, नए डिस्पैड में ये जो लोहे का क्लिप है ये डिस्पैड खत्म हो जाने का संकेत देता है। जब डिस्पैड 80-85% घिस जाएगा तब यह लोहा ड्रम पर रगड़ने लगेगा और आवाज़ आने लगेगा। तो अगर आगे से आवाज़ आने लगे तो इसे नज़रअंदाज ना करें, तुरंत इसे मैकेनिक से चेक करवाएं, नहीं तो डिसरोटर घिस जाने से काफ़ी पैसे लग जाएंगे। यहाँ डिस्पैड को ऐसे लगा लेंगे। अभी कैलिपर असेंबली का एक पिस्टन कुछ बाहर रह गया है, इसे और अंदर कर लेते हैं। अब यह आसानी से लग जाएगा। ऐसे इसके 12 नंबर बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों, आगे का डिस्पैच कंप्लीट हो गया। मैंने पीछे का भी ब्रेक शू लगा लिया है। मैंने चारों ब्रेक को एक साथ खोला है ताकि ब्रेक का एयर एक ही साथ निकाला जा सके। तो मैं आपको पार्ट टू में दिखाऊंगा कि ब्रेक का एयर एक साथ कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।